नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद से कई राज जो है दफन है, जिनका खुलना अभी भी बाकी है। लोगों में ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर जिन हत्यारों ने इतने बड़े माफिया को मौत के घाट उतारा है, उसके पीछे की क्या वजह है। इससे इधर एसर इसका एक और पहलू है, वो पहलू है अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर। जी हाँ, उमर नैनी जेल में बंद है और अपने परिवार के बिखरने से काफी परेशान भी है। इन सब के बीच अतीक के बेटे उमर के दोस्त या यूं कहे कि हमराज से हमारे संवाददाता विवेक शाही ने एक खास बातचीत की है और इस बातचीत में कई राज जो दफन थे वो सामने आए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। की उमर के बारे में कुछ पता लगाएंगे, कैसी दिनचर्या थी, क्या कुछ कहना था। ये बताइए कि आप उनके साथ जेल में थे, किस प्रकार की दिनचर्या उमर की थी? एक आम आदमी की तरह थी दिनचर्या, उन्हें ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था, एज यूजुअल उनकी दिनचर्या रहती थी, कोई खास मतलब नहीं रहता था। और कौन कौन से लोग जो है उमर से लगातार मिलने आते रहते इस दौरान? उमर से उसकी मम्मी मिलने आती थी, ध्यान ने मुझे बता रहा था वो एक बार की मम्मी आई थी मिलने आज, और असद मिलने आता था, एजम और अबान जो उसके दो छोटे भाई हैं नाबालिग हैं वो मिलने आते थे। अच्छा, असद का मिलना उमर से कब हुआ था? 23 फरवरी को मुलाकात हुई थी, यानी ठीक एक दिन पहले। जी, एक दिन पहले। तो क्या जब ये हत्याकांड उमेश पाल का हुआ तो उमर का क्या ओपिनियन था अपना, क्या कुछ कह रहा था इस पे? उमर से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उमेश पाल हत्याकांड के बाद, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में था और हम लोग अलग बैरिक में थे। जकी भाई जो अतीक अहमद के सगे साले हैं, शाइस्ता परवीन के भाई, उनसे मेरी मुलाकात रहती थी क्योंकि वो हमारी बैरिक में ही थे, तो वो काफ़ी अफसोस जताते थे और काफ़ी शौक थे वो कि ये सब क्या हो गया, एकदम से परेशान थे परिवार को लेकर काफ़ी वो। अच्छा, ये बताइए जिस प्रकार से अतीक अहमद जो है, जिस प्रकार से उनका रुतबा कहा जाता था, पहले था माफिया, उन माफिया को ख्यात माफिया, ऐसी बातें चलती रहती थी, असद की बातें चलती रहती थी कि असद का नाम जो है इस पर हत्याकांड में आया, तो उमर का जो है बिहेवियर कैसा था, क्या वो एग्रेसिव बिहेवियर था या फिर नॉर्मल था? नॉर्मल बिहेवियर का था वो, और वो अपराध की दुनिया से नहीं जुड़ना चाहता था, वो कहता था कि मैं एक नॉर्मल तरीके से कहता था एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ यहाँ से निकलने के बाद, मैं अपराध से नहीं जुड़ना है मुझे। जिस तरीके से उमर जो है लेके जाता है देवरिया जेल, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो किस प्रकार से उमर उन चीज़ों को देखता है? मोहित जसवाल की उंगली जो है किसने तोड़ी थी, क्या कुछ मामला था पूरा? उमर का इसमें रोल ये था, कार ड्राइव करके लेके गया था देवरिया जेल, उसमें कार में जकी अहमद थे जो अतीक अहमद के साले हैं, एक जफरउल्ला थे और गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ पप्पू, ये लोग थे, ये सब रियल इस्टेट कारोबारी हैं, ये लोग मोहित जायसवाल के साथ गए थे, ये भी पार्टनर्स ही हैं सब आपस में, तो मोहित जायसवाल की तरफ 6 करोड़ का कुछ लेन देन था अतीक अहमद का, तो मोहित जायसवाल की तरफ निकल रहे थे, उसी लेन देन में कुछ बहस हुई और इनके साथ मारपीट की गई मोहित जायसवाल के साथ, और इन्होंने मना भी किया जकी अहमद ने। उमर उस वक्त अंदर मौजूद नहीं था, वो कार में बैठा हुआ था, और अतीक अहमद ने जो है आक्रोशित होके इनकी उंगली तोड़ दी थी। जिक्र किया था इन सब चीज़ों का, उमेश पाल हत्याकांड के बाद तमाम चीज़ें इस तरीके से चल रही थी, तो जकी क्या कुछ चर्चा करता था? चर्चा यही करते थे, अफसोस करते थे, वो काफ़ी परेशान थे परिवार को लेके काफ़ी कि ये सब क्या हो गया, और असद को लेके काफ़ी परेशान थे वो, उसका नाम आ रहा था तो कह रहे थे उसका एनकाउंटर हो सकता है, तो असद के एनकाउंटर की आशंका जकी मोहम्मद जकी जो है जकी अहमद जाता था एनकाउंटर हो जाएगा असद का अतीक अहमद के साले को। ये बताइए जिस प्रकार से ये सब चीज़ें हुई लगातार जो है, पहले असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद अतीक और अशरफ मारे गए, उसके बाद उमर का क्या रिएक्शन था, जकी का क्या रिएक्शन था? उमर से तो मुलाकात देखी 23 फरवरी को हुई थी, वो हाई सिक्योरिटी बैरिक में, तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद जकी भाई से मुलाकात रहती थी क्योंकि वो सेम बैरिक में थे हमारी, तो वो परेशान थे परिवार को लेके काफ़ी, और अफसोस जताते थे कि ये सब बर्बाद कर दिया सांसद जी ने, हमें भी फंसा दिया, खुद भी फंसे। जी, उनको लेके दबे दबे लफ्ज़ों में कहते थे क्या नाम है कि अतीक अहमद ने अच्छा नहीं करा ये हमारे साथ, क्योंकि अतीक अहमद की वजह से ही फंसे थे ये लोग जो है, इनके ऊपर एक ही मुकदमा है अतीक अहमद के साले जो हैं, और कोई मुकदमा भी नहीं है इनके ऊपर, तो वो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए भी नहीं हैं, रियल इस्टेट कारोबारी हैं, अफसोस जताते थे वो, काफ़ी पछताते थे। जो उमर को जो है हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि अब अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु के बाद से उन्होंने खाना बंद कर दिया था उमर में, तमाम तरह की चीज़ें निकल के आ रही, कितनी सच्चाई है इन बातों में? हाँ, जहाँ तक मुझे भी जानकारी है, काफ़ी जो है बीमार हो गए हैं वो, बुखार वगैरह आ गया था जब उनके भाई का इंतकाल हुआ था, एनकाउंटर हुआ था, तो उसके बाद से जो है इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी, फिर अगले दिन ही जो है फादर का हत्या हो गई उनके, तो परेशान है काफ़ी वो, तबीयत ख़राब है, आज उनको सज़ा भी होनी है मामले में, तो देखते हैं क्या होता है, कब छूटते हैं वो, क्योंकि उनका जराइम की दुनिया से कोई नाता नहीं है उमर का। तो ये थे हमारे साथ तौकीर अहमद, जो लखनऊ की गोसाईगंज जेल में लगभग 2 साल तक
फरवरी 2021 से लेकर मार्च 2023 तक रहा था और इसने साफ सीधे लफ्जों में कहा कि उमर जो है एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था और जो शाइस्ता परवीन का भाई है जकी अहमद लगातार ये कह रहा था कि अतीक अहमद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया गया है। उमर के बारे में कहना है कि इसका व्यवहार जो है सामान्य लोगों की तरह ही था और 5 वक्त का नमाजी था और जेल में भी लोगों की मदद करते रहता था। लखनऊ से नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी। तो अभी आप सुन रहे थे उमर के दोस्त तौकीर को। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।